बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग के फेज़ 3 के मुताबिक अपनी असेसमेंट शीट्स को हल कर रहे होंगे। तो चलें अब हम उसकी असेसमेंट शीट नंबर 21 को हल करेंगे, ठीक है? तो हमारी असेसमेंट शीट का पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमारा पहला एमसीक्यू है, ऐसी नज़म जिसमें मुल्क कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कसीदा, बे गज़ल, जीम रुबाई या दाल कौमी नज़म। तो बच्चों, इसका दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास दाल कौमी नज़म, यानी मुल्क कौम के बारे में जो हम नज़म लिखते हैं हम उसे कौमी नज़म कहते हैं। हमारा दुरुस्त दूसरा एमसीक्यू है, दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदेही करें। पहला जो हमारा ऑप्शन है इज़्ज़त है, दूसरा इज़्ज़त है, जे इज़्ज़त है और दाल इज़्ज़त है। बच्चों, इसके दुरुस्त अराब जो हैं वो जीम में हैं, ठीक है? इसमें आपके ज़े के ऊपर शद होती है और ते के ऊपर जज़म होती है और साथ में ज़े के ऊपर ज़बर होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ज़े है उस पर ज़बर तो है लेकिन उस पर शद नहीं है, और इसके ऊपर जो है आपके पास ज़ेर है इज़्ज़त में, और लास्ट ऑप्शन में आपके पास ऊपर पेश है, ये आपके पास पेश है, ठीक है? तो इसलिए आपका जो दुरुस्त आराब है वो आपका जीम है, इज़्ज़त। तो आपका सवाल नंबर 2 बेटा आपका है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे के मुतलका अल्फाज को हमने मिलाना है, ठीक है? तो हमारे कॉलम अलिफ के अंदर जो अल्फाज हैं वो है, पहला परचम, दूसरा सांझी, तीसरा चमन, चौथा मंजिल और हमारे पास समुंदर है, ठीक है? अब हम इनको इनके जो मिलते जुलते मुतलक अल्फाज हैं उनके साथ हम इनको मैच करेंगे। तो परचम को हम झंडा से मिलाएंगे, ठीक है? क्योंकि परचम और झंडा जो है आपस में मुतरादिफ़ अल्फाज भी हैं। इसी तरह सांझी का मुतलक लफ्ज़ मुश्तरका है, ठीक है? चमन का मुश्तरका लफ्ज़ या मुतलक लफ्ज़ जो है वो फूल है। मंजिल मुसाफिर, समुंदर और दरिया, ठीक है? तो हमने अपने जो है इन अल्फाज को उनके कॉलम बे के मुतलक अल्फाज के साथ मैच कर लिया है, इसी तरह आपने भी इसको मिला लेना है। अब हमारा सवाल नंबर 3 है, दर्ज ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है? हमारा पहला लफ्ज़ है चमन और उसका जुमला है, हमारा वतन एक चमन की तरह है, ठीक है बच्चों? अब हमारा दूसरा लफ्ज़ है शबनम और उसका जुमला है, सुबह के वक्त फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमकते हैं। तीसरा लफ्ज़ हमारा आन है और उसका जुमला है, तमाम पाकिस्तानी खसूसन तुलबा पाकिस्तान की आन बान और शान है, ठीक है बच्चों? हमने अपना सवाल नंबर जो 1 किया है उसमें हमारे एमसीक्यू थे, सवाल नंबर 2 में हमने अपने कॉलम मैच किए हैं, ठीक है? और शीट के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा सवाल जुमले था। अब हमारा अगला और चौथा सवाल जो है वो है, कौमी परचम की अजमत पर 5 सितरें तहरीर करें, ठीक है? हम अपनी कौमी परचम या कोई भी कौम अपनी कौमी परचम के लिए बहुत हसास होती है और वो बहुत ज़्यादा अजमत का हामिल होता है, तो उसकी अजमत के ऊपर चंद सितरें ये हैं, कौमी परचम किसी मुल्क के लिए सबसे अहम अलामत है, ठीक है? किसी भी मुल्क और कौम की जो है परचम से हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा मुल्क का परचम है, ठीक है? उसके बाद है, पाकिस्तान का परचम इज़्ज़त आज़ादी और मुल्क की हुबुल वतनी की अलामत है। बच्चे, इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी बना सकते हैं जुमला, कौमी परचम किसी भी कौम की या किसी मुल्क की इज़्ज़त आज़ादी और मुल्क की हुबुल वतनी की अलामत है, ठीक है? हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है। अगला जुमला है, पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान के लिए बेमिसाल अहमियत का हामिल है। आप इसकी जगह थोड़ी सी चेंजिंग करके ये भी कर सकते हैं, कौमी परचम किसी भी मुल्क के लिए बेमिसाल अहमियत का हामिल है। अगला जुमला है, ये अगली सतर है, कौमी परचम किसी भी कौम को उसकी शिनाख्त देता है। और अगला सतर है, कौमी परचम किसी मुल्क और कौम की एक जहदी की अलामत है, ठीक है बच्चों? ये सारी जो सतरें थी ये कौमी परचम की अजमत के बारे में थी, ठीक। तो ये हमने अपनी असेसमेंट शीट मुकम्मल कर ली, इसमें हमने जो है अपनी नज़म को ही बयान किया है। यह आपने असेसमेंट शीट अपनी मुकम्मल कर लेनी है, इसको अपने आपने नीट नोट्स पर भी लिख लेना है, ठीक है? और इसको अच्छे से याद कर लेना है और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर।